आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। तो इस क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करने से पहले हमें क्लॉक बना लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन और छह समझ में आएगा ठीक है तो चलिए बनाता हूँ मैं तो ये हमारा क्लॉक है हमने इसको बना लिया आप देख सकते हैं अब हमें क्वेश्चन ने बोला है वी कैलकुलेट द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन द मिनट एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक एट फाइव ओ क्लॉक मतलब पांच बज रहे हैं पांच बज रहे हैं तो आवर हैंड कहां पे होगा आवर हैंड होगा फाइव पे ये हमारा आवर हैंड है और पांच बज रहे हैं तो मिनट हैंड कहां पे होगा दैट इज ऑन ट्वेल्व बिगर निटल इज द मिनट हैंड एंड द शॉर्ट निडल इवर हैंड अब हमें इन दोनों निडल के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है ठीक है तो सबसे पहले यह जानिए कि वॉट इज द टोटल एंगल फॉर्म इन ए क्लॉक टोटल एंगल ट्रेस्ट इन ए क्लॉक कितना होता है दैट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री टोटल एंगल कितना होता है इसमें थ्री सिक्सटी डिग्री तो इसे लिख लीजिए टोटल एंगल ट्रेस्ट इन ए क्लॉक ज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी डिग्री ओके अब यहां पे अगर टोटल एंगल 360 डिग्री है तो 12 और 1 के बीच में कितना है दैट इज 5 मिनट तो इन 5 मिनट्स में कितना एंगल होगा तो 5 मिनट का एंगल होगा 5 मिनट एंगल होगा 360 सिक्सटी अपॉन ट्वेल्व अगर टोटल एंगल 360 है और कितने फाइव मिनट्स है यहाँ दैट इज टोटल 12 तो मिनट का एंगल ट्वेल्व okay, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पता चल गया कि 5 मिनट का एंगल ट्रेसिंग कितना है देखिए ट्वेल्व और फाइव के बीच में कितने फाइव मिनट्स है यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने फाइव मिनट्स है फाइव टेन फिर फिफ्टीन फिर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव टोटल ट्वेंटी फाइव है टोटल okay? तो okay? तो पांच लिखेंगे एंगल ट्रेस्ड एट फाइव ओ क्लॉक वुड बी इक्वस टू पांच मिनट का है थर्टी डिग्री तो पांच मिनट कितने बार आ रहे हैं यहां पे पांच बार आ रहे हैं तो हो जाएगा थर्टी इन टू फाइव दैट इज इक्वस टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन